जेपी जूनियर प्रीमियर लीग जो कराई जा रही है वो जेएमडी ग्रुप की द्वारा कराई जा रही है। इसमें जो है रोजाना टोटल 16 मैच खेले जाएंगे, जिसमें 25 तारीख से लेकर 31 तारीख तक नॉकआउट मैच रखे गए और उसका 2 जनवरी 2019 को इसका फाइनल रखा गया है। कितनी टीमें हैं कुल? कुल 16 में, टोटल 16 टीमें हैं और सभी मैच नॉकआउट रखे गए हैं। कहाँ कहाँ से टीमें आई हैं आपके पास? ये पूरे अजमेर शहर की टीमें आई हुई हैं, अलग अलग जगह से टीमें आई हुई, जैसे कि पंचशील से टीम आई हुई है, अजयनगर से टीम आई हुई है। और केवल सिंधी समाज के युवाओं के लिए? केवल ये टूर्नामेंट सिर्फ सिंधी समाज के लिए किया जा रहा है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि सभी सिंधी युवा सिंधी समाज के जो युवा हैं उनके अंदर खेल भावना और उनके अंदर जो उनकी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे। ऐसे आपका नाम? मेरा नाम मनोज कुमार मुरजानी। मेरा नाम मनोज कुमार जमनानी। और पहली बार ये अजमेर में पहली बार सिंधी समाज की तरफ से किया जा रहा है आयोजन मैच का। इसका स्थान कहाँ रखा गया? स्थान हमने लोको ग्राउंड तय किया है। और पुरस्कार क्या क्या है इसमें? पुरस्कार पहला जो विजेता होगा टीम का उसको 11,000 कैश नगद प्राइस, और जो उप विजेता रहेगा उसके लिए 5100 रुपए का प्राइस रखा उसके गया। ट्रॉफीज है? ट्रॉफीज ये है और डेली मैन ऑफ द मैच है, लास्ट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट है, सीरीज है। और अतिथिगण कौन आ रहे हैं? अतिथिगण हमारे महानुभव सिंधी समाज के संत भी हैं और हमारे एमएलए साहब वर्तमान जो है देवनानी जी वो भी हैं। ओपनिंग सेरेमनी क्या प्रोग्राम है? ओपनिंग सेरेमनी में हमने काफ़ी अच्छा आयोजन रखा है। महानुभव शहर के सभी महानुभव शहर के जो भी हैं, जैसे हमारे सिंधी समाज के जितने भी हैं उनको बुलाया जाए। कौन सी तारीख को है ओपनिंग? 25 तारीख को सुबह 10 बजे ओपनिंग सेरेमनी रखी गई है।